शापित मानव को बदल दिया वरदानों में बुद्धं शरणं गच्छामि। आज का विषय है श्रद्धा और प्रज्ञा। बुद्ध ने कहा है श्रद्धा बीजं तपोवृत्ति पन्या में युगनंगल, यानी श्रद्धा जो है बीज की तरह है, तपो वृत्ति यानी तप जो है वो पानी की तरह है, और पन्या जो है वो नंगल की तरह है। तो श्रद्धा और पन्या दोनों भी बहुत ही ज़रूरी है। आम तौर पर हम देखते हैं कि जिनके पास श्रद्धा है उनके पास प्रज्ञा नहीं है, और जिनके पास प्रज्ञा है तो उनके पास श्रद्धा नहीं होती। तो बिना श्रद्धा के प्रज्ञा वो जो है लंगड़ी लूली है, और बिना प्रज्ञा के श्रद्धा जो है वो अंधी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिनके पास श्रद्धा है लेकिन प्रज्ञा नहीं है तो उनमें अंधश्रद्धा बढ़ जाती है, और हम देखते हैं कि जिनके पास प्रज्ञा है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो उनकी जो उनका जो ज्ञान है वो कोरा ज्ञान रह जाता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि श्रद्धा और प्रज्ञा दोनों ही हो, तभी जो है इंसान को सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उस पर अमल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई लंगड़ा है लूला है और उसकी आंखें तो ठीक है, तो आंखों से तो अपने लक्ष्य को देख सकता है, उसका विवरण कर सकता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा लूला है। दूसरी ओर और एक व्यक्ति को ले लेते हैं कि वो अच्छा हट्टा कट्टा है, हाथ पैर ठीक है, लेकिन वो अंधा है। तो अंधा होने के कारण उसको लक्ष्य दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। तो ये दोनों की अपनी कुछ काबिलियत भी है और अपनी कुछ असमर्थता भी है। अगर ये दोनों का मेल हो जाए तो वो लक्ष्य को साध सकते हैं। जैसे मान लो ये लंगड़ा लूला अंधे से कहे कि देखिए तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर ठीक है, तुमको दिखाई देता है, मैं लंगड़ा लूला हूँ लेकिन मेरे आंखें ठीक है और आपके हाथ पर ठीक है लेकिन आप अंधे हैं, तो हम दोनों मिलकर लक्ष्य को पर पहुंचना है तो एक काम करते हैं, तुम जो हट्टे कट्टे हो लेकिन अंधे हो, तो मैं जो लंगड़ा लूला हूं लेकिन मेरे पास आंखें हैं तो मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाता हूं, तो मेरी आंखें और तुम्हारे पैर ये दोनों मिलकर हम जो है अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लंगड़ा लूला है लेकिन आँख से अच्छा है, ये इस अंधे के कंधे पर चढ़ जाता है जिसके पैर ठीक है। तो इस तरह से ये जो लंगड़ा लूला है अपनी आँखों से इस हट्टे कट्टे अंधे को रास्ता बताता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर अपने लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि श्रद्धा और ये प्रज्ञा ये दोनों भी ज़रूरी है। जिनके पास श्रद्धा है और प्रज्ञा नहीं है तो वो बड़ी संभावना बनी रहती है कि वो श्रद्धा जो है अंधश्रद्धा में पनप जाए, और जिनके पास प्रज्ञा है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो बड़ी संभावना है कि केवल तर्क वितर्क करता रहे लेकिन एक भी कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ाता नहीं है। तो इसलिए ये श्रद्धा और प्रज्ञा दोनों भी होना ज़रूरी है। तो श्रद्धा किस बात की किस में? तो पहली बात तो श्रद्धा आदमी को कर्म और कर्मफल में होना चाहिए कि अच्छे कर्म का
अच्छा फल होगा, बुरे कर्म का बुरा फल होगा। इस तरह से अगर इस बात में कर्म और कर्मफल में श्रद्धा होगी तो वो आदमी अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। तो इस प्रकार कर्म और कर्मफल में आदमी की श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद उसे बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर वो शील, समाधि और प्रज्ञा के ओर कदम नहीं बढ़ा सकता। तो शील का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना और फिर प्रज्ञा जगाना। तो प्रज्ञा ये अंतिम छोर पे आता है। तो श्रद्धा के आधार पर ही आदमी शील का प्रयत्न करेगा और जब वो शील का प्रयत्न करेगा तो समाधि में भी स्थापित होने की संभावना बनी रहेगी, और जब समाधि का अभ्यास करेगा तब जाकर उसकी प्रज्ञा जगेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रद्धा और प्रज्ञा के बीच में शील और समाधि, ये दोनों भी आवश्यक है। ये दोनों जो है श्रद्धा और प्रज्ञा को जोड़ती है। तो जैसे बुद्ध ने कहा कि श्रद्धा बीजम तपोवृत्ति पन्या में युगनंगलम। तो श्रद्धा जो है बीज की तरह है और ये जो तप है वो पानी का काम करता है, और प्रज्ञा जो है वो युगनंगल है, उसका काम करता है। तो ये जो तप है, ये जो पानी है, ये तप यानी यहाँ पर शील को तप माना गया है, समाधि को भी तप माना गया है। तो ये शील और समाधि दोनों तपस्या का काम करते हैं, यानी ये आदमी को तपाते हैं। तो शील से भी आदमी शारीरिक और वाचिक स्तर पर तपता है और समाधि के द्वारा वो मन के स्तर पर तपता है। तो इस तरह से शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर जब आदमी तपता है तब प्रज्ञा जगने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति शील और समाधि का अभ्यास नहीं करता, केवल प्रज्ञा की बातें करता है, तो वो केवल तर्क कुतर्क करेगा लेकिन वास्तव में ज्ञान की बातें उससे हो नहीं पाएगी, या ज्ञान का जो भी वो उपयोग करेगा वो केवल तर्क वितर्क के लिए करेगा लेकिन उसके अभ्यास वो कभी नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति अपनी प्रज्ञा को अभ्यास में नहीं लगाता वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सही मायने में बुद्ध ने कहा है श्रद्धा बीजम तपोवृत्ति पन्या में युगनंगलम। तो जो भी मनुष्य अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहता है तो उसे श्रद्धा की बीज होना चाहिए और उसके बाद शील और समाधि का तप करना चाहिए, तब जाके उसकी प्रज्ञा जग सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग श्रद्धा जगाएंगे। श्रद्धा किसके प्रति? कर्म और कर्मफल में, और बुद्ध धम्म और संघ में। और तप क्या है? पंचशील से लेकर, अष्टशील से लेकर, दसशील से लेकर और भिक्षुशील, ये सब शील जो है ये तपना है। और साथ ही साथ भावना या ध्यान, जिसमें समता भी है और विपसना भी है, ये दोनों भी करने से आदमी में प्रज्ञा जगती है। तो सभी बौद्ध श्रद्धा जगाए, शील और समाधि और प्रज्ञा के अभ्यास करें और जो परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं उसे प्राप्त करें, ऐसे हम सब के लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।